हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू अलोतर व्लॉग। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं सुबह थोड़ा पेट पूजा करने के लिए, बिना ब्रश किए बिना नहाए धोए। मैं, सनी भैया और हमारे चेयरमैन साहब अर्ज भैया। हेलो गाइस, हेलो गाइस करो, हेलो गाइस। हेलो गाइस, ये हमारी कल्चर व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम जा रहे हैं अभी रामसरी स्वीट्स, फतेहाबाद की सबसे फेमस दुकान जो है। रहा है 8:27 सुबह के, और अभी अभी हम सो के उठ के सीधे चले आए, मुंह भी नहीं धोया, जानते ही जा रहे हैं। ऑयली हो रही है पूरी, ऑयली से आया और नहीं हुए तो ये क्या हमारी आज बाइक में हवा कम है तो थोड़ी हवा भरवा लें इसमें। 250-300 ग्राम। ये हमारे सनी भैया हवा डालते हुए, हवा डल गई भाई। पेमेंट कर रहे हैं सनी भैया, हमें तो करने नहीं दिया पेमेंट। स्कैन ही ना वो स्कैन होगा तभी तो पेमेंट होगा। हवा डलवा ली अपने अपनी बाइक में और अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। अभी हम फतेहाबाद के बस स्टैंड पर। बाघ अभी तैयार ना होगा ना इसका सनी पे लो भैया, अभी वहाँ पे नाश्ता बनाई नहीं है, अभी बड़ा ही सीखी नहीं है अभी, बेड़ा ही। सॉरी, अब हम जा रहे हैं दूसरे पे। अब हम जा रहे हैं किसी दूसरे पे, किसी अन्य हलवाई की दुकान पे, जहाँ की जो खाना है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और कम से कम दामों में। जैसा कि मतलब दाम कम पैसे ज़्यादा नहीं, दाम कम सामान बहुत अच्छा, दाम कम मज़े ज़्यादा। चलो देखते हैं भैया कैसा रहता है, मैं तो इस गली में पहली बार ही जा रहा हूँ शायद। वहाँ पे मात्र 8 रुपए की कचौड़ी है और सामान भी ऐसा है खाते ही मजा आ जाए। कौन सी जगह पे ये बावाला चौराहा? हाँ, वहाँ जाके अभी हम आपको दिखाएंगे। देखे ना, मैं तो यार रामनिवास चाचा सबसे बेस्ट लगते हैं। हम पूरी में जाते हैं, आज नया भी चेक बोलते हैं ना, कभी नया भी चेक करना चाहिए। तो आज हम जा रहे हैं नई दुकान पे, देखते हैं स्वाद कैसा है दुकान का, मतलब उसकी दुकान की चीज़ों का। दुकान पे और आई थिंक यहाँ भी अभी देरी है, थोड़ी सब्जी बन रही है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखो लालची इंसान, अभी टाइम लगेगा भैया, यहाँ तो सब्जी बन रही है अभी और अंदर बेड़े का यहाँ भी अभी खाना तैयार हो रहा है, माल मसाला तैयार किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम बहुत जल्दी यहाँ पे आ चुके हैं, तो यहाँ भी खाना तैयार हो रहा है, लेकिन मेरे तो मुंह में अभी से देख के पानी आने लग गया। चलो अच्छा है। जो भैया कारीगर हैं जो सब्जी वगैरह बनाते हैं वो गए हैं फिफर दिन, और उनके छोटे भैया है, बड़े भैया है, ये उनके छोटे भैया सब्जी बना रहे हैं। उनका ड्राइंग का पेपर है, वो आज यहाँ वहाँ पे बना के आएंगे कि बेड़े की सब्जी कैसे बनाते हैं, तो सब्जी छाप के आएंगे, बेड़ी छाप के आएंगे ड्राइंग के पेपर में। ये जो दुकान है जो फतेहाबाद के जो बाईपास है बाहर रोड वाला, उसके मेन चौराहे पे, बिल्कुल मेन मार्केट पे ही कॉर्नर पे ही ये दुकान है बिल्कुल, जैसा कि आप लोकेशन देख पा रहे होंगे। ये देखिए सब्जी बन के रेडी हो चुकी है और अंदर बेड़े का मटेरियल रेडी हो रहा है, अभी भीड़ काफ़ी हो गई। देखो ये देखो आ रहे हैं जा रहे हैं, देखो बेड़ी बनाने के लिए कढ़ाई ऊपर रख ली है और ये चोपर आ गया, वो रखता है मटेरियल बेड़ी का। तो गाइस नाश्ता हो चुका है हमारा, काफी टेस्टी नाश्ता था, बेड़ी काफी टेस्टी थी और सब्जी भी काफी टेस्टी थी, आगे मजा आ गया। सनी भैया ने छेका, यार भैया ने 4 महीने तो भाई 3 ही खा पाई, पेट भर गए भाई। सब कुछ भी हो काफी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बोल सकते हैं हम इसे,
यो बॉयज, मैंने आपको बताया था ना कि मेरा तो भाई साहब बहुत ही सस्ता, मात्र 8 रुपए पर पेड़ के हिसाब से, 7 रुपए, 8 रुपए पर इतना टेस्टी था भाई, मुझे तो पता ही नहीं लगा कि मैं छेद तो खा गया, लेकिन पेट में पड़ा तो मुझे पड़ा तो पता तो लगा कि हाँ भाई छेद खा गया, पैसा मैंने भाई वो पता लगी परी कैसे खाइए वो मालूम परी कितने खाइए, मेरा था ना पैसा, पैसे की कोई बात नहीं भाई, पैसा की कमी नहीं भाई, पैसा तो बहुत है, पैसा बहुत है, छप्पर पर डूब रहा है भाई, तू छप्पर पे गल्ली आ जाएगा, सामने इकट्ठा हो जाएगा।